हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ह्यूज ज्वेलरी हॉल। एंड ये ज्वेलरी है फ्रॉम द ब्रांड ज्वेल्स गैलेक्सी। ज्वेल्स गैलेक्सी की मैं बहुत सारी पहले भी वीडियोस कर चुकी हूँ, 3-4 वीडियोस कर चुकी हूँ। एंड इनकी बहुत सारी ज्वेलरी मेरे पास है। आज की वीडियो में भी आपको जो भी मैं ज्वेलरी शेयर करूंगी आपको पक्का पसंद है, क्योंकि एक एक पीस मैंने खुद चूज किया है। ये सारी मेरी अपनी चॉइस है। एंड जो भी मैंने ज्वेल्स गैलेक्सी की पहले वीडियोस की हैं, एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। इनकी ज्वेलरी मैं बार बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, या बैक टू बैक अगर मैं कोई कोलैब करती हूँ या फिर अगर मैं वीडियोस शेयर कर रही हूँ तो गाइज डेफिनेटली इसकी क्वालिटी अच्छी है। मैं अपने मेकअप लुक्स में भी डालती रहती हूँ। प्राइस रेंज भी इनका बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है, एंड रिलायबल है इनकी ज्वेलरी। क्योंकि कुछ ब्रांड्स अगर कई बार आप वैसे देसी सी ज्वेलरी लोगे ना, वो काली पड़ जाती है, इनकी ज्वेलरी ब्लैक नहीं पड़ती। ये चीज भी आप ध्यान रखना कि ज्वेलरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे रहती है, तो ये बहुत ही सही चलती है। तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। गाइस हॉल स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगी। ये है mysmartbazaar.com, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, लाइक ब्यूटी के चीजें होंगी या फिर अगर आपको होम अप्लायंसेस हो गए, बहुत कुछ है गाइज यहाँ पे। अब आपको ये बेनिफिट कैसे देगी, आप यहाँ पे ना प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये है ज्वेल्स गैलेक्सी की एक ज्वेलरी सेट है, ठीक है। अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको नजर आएगी, ठीक है। आप अगर आपको नहीं पता कि कहां से आप खरीदो, क्योंकि अमेजोन पे भी बिक्री है, फ्लिपकार्ट पे भी बिक्री है, ज्वेल्स गैलेक्सी पे भी, पेटीएम मॉल पे भी, कहां पे आपको सस्ती मिलेगी। बार बार सबको खोलने से बेटर है आप यहां पे प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हो, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये कहां कहां पे और सेल हो रही है। जहां पे आपको सस्ता लगेगा, जहां पे आपको कन्वीनियंट है, वहां से ले सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो 180 रुपीज में अमेजोन पे भी मिल रहे, ज्वेल्स गैलेक्सी के खुद के स्टोर पे भी मिल रहे, तो आप अमेजोन से ले सकते हो, उनके स्टोर से ले सकते हो। बस ये इसका बेनिफिट है, यहां पे बहुत कुछ आप प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हो, लाइक फोन हो गया, टीवी हो गया, या फिर आप घर का कोई भी अप्लायंसेस हो गया, आप उसको कंपेयर कर सकते हो। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस देख सकते हो आप, ये पूरा बॉक्स भर के 10 पीसेस है इसके अंदर ज्वेलरी आइटम्स, ये मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आते हैं, ज्वेल्स गैलेक्सी लिखा हुआ इनके ऊपर। सबके परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पैकेजिंग इनकी बहुत ज्यादा अच्छी है, बबल रैपिंग की होती है। आपको खोल के मैंने इसलिए सब दिखा दिया ताकि आपको पता लगे कि ज्वेलरी आइटम जो भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे आपके पास, वो इस तरह से आएगी, सेफली आपके पास पहुंचेगी। हर एक चीज का इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि ज्वेलरी हम जब खरीदते हमें ना कि ज्वेलरी सही तरीके से पहुंचे, एक भी स्टोन इधर उधर हो गया तो मतलब ज्वेलरी खराब हो जाती है। देखो नीचे भी इन्होंने फोम लगाई, मुझे ये चीज इनकी पैकेजिंग मुझे इनकी बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसलिए मुझे लगा आप लोग साथ शेयर करूं। तो चलो अब बारी बारी से दिखाती हूं क्या क्या प्रोडक्ट। गाइज ये है नेक पीस, देख सकते हो आप कितना प्रिटी लग रहा है, कुंदन का काम किया हुआ है और नीचे पर्ल्स लगा हुए हैं, मुझे काफी प्रिटी लगा ये वाला पीस। और साथ में आपको डोरी मिल जाएगी, डोरी के एंड में भी आपको ये छोटे छोटे से ना पर्ल्स मिल जाएंगे, जो काफी खूबसूरत लग रहे हैं, काफी सुंदर लग रहे हैं। इनके साथ आपको ये वाली इयररिंग्स मिल जाएंगे, एंड प्रिटी है पीस, मुझे पसंद आया। नेक्स्ट पीस आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, अगर आपने ट्रेडिशनल कोई साड़ी डाली है, महाराष्ट्रियन जब आप लुक करते हो ना, तो उसके साथ ये वाली ज्वेलरी डालते हैं, काफी प्रिटी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है। एंड साथ में आपको छोटे छोटे से पर्ल्स मिल जाएंगे, बिल्कुल गोल्ड की लुक दे रही है। साथ में आपको ये झुमकी वाले इयररिंग्स हैं इसके साथ, जिसके ऊपर पर्ल्स लगे, बहुत प्यारा लगा मुझे ये वाला पीस, देख सकते हो बहुत सुंदर है, ये भी बहुत सुंदर है। गाइज उसके बाद मेरे पास है ये वाली ज्वेलरी, ये देख सकते हो कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, शाइनी लग रही है, बिल्कुल गोल्ड की ज्वेलरी लग रही है, कॉइन ज्वेलरी इसको बोलते हैं। अगर आपने बनारसी साड़ी डाली है, महाराष्ट्रियन अगर आपने लुक किया है, तो इसके साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर के यहाँ पे छोटे छोटे से स्टोन्स लगाए हुए, जो आप देख सकते हो अभी शाइन कर रहे हैं। साथ में आपको ये डोरी मिल जाएगी एंड में, तो काफी सुंदर वाला पीस है। ये आप नेक पीस देख सकते हो कितना ही ज्यादा डिफरेंट और सुंदर वाला पीस है, ये मैं अपनी मम्मा को दूंगी। नीचे आप देख सकते हो ट्रायंगल सा इसके अंदर डिजाइन है, यहाँ पे स्टोन्स लगे हुए हैं, एंड
पर्ल्स भी हैं और इस तरह का थोड़ा एंटीक सा काम किया हुआ है, डिफरेंट सा पीस है, अच्छा लगा मुझे। मम्मा को इसलिए दूंगी क्योंकि रिसेंटली, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो ना, तो रिसेंटली मम्मा ने एक मैरिज फंक्शन में गए तो उन्होंने एक नेक पीस डाला था, वो ज्वेल्स गैलेक्सी का ही नेक पीस था। एंड देख सकते हो आप, ये भी उनको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। ये इसके साथ ये वाले आपको इयररिंग्स मिल जाएंगे छोटे छोटे से। नेक्स्ट पीस आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, ये भी मैं अपनी मम्मा को दूंगी। इसके अंदर ये कुंदन का काम किया हुआ है एंड ये पर्ल्स लगे हुए हैं एंड बीच में स्टोन्स है, काफी प्रिटी वाला पीस है। हल्के हल्के से इयररिंग्स है तो मम्मा के लिए अच्छा है, वो बहुत बड़े बड़े एंड हैवी इयररिंग्स नहीं डालते ना, तो ये अच्छा और हल्का फुल्का सा, मतलब अच्छा लगा ये मुझे ओवरऑल पीस ना, बहुत प्यारा लगा। नीचे आपको डोरी मिल जाएगी। देख सकते हो आप ये वाले इयररिंग्स बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं। मेरे पास दो और इस तरह के इयररिंग्स है, थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन है बट ये कुछ ऐसा लटकन वाले पैटर्न का ना, ये मेरे पास दो और इयररिंग्स है, ये ज्वेल्स गैलेक्सी के ही इयररिंग्स है। मैंने अपने अलग अलग मेकअप लुक्स में डाला भी और आप लोगों को मेंशन भी किया। इसको क्यों मंगवाया मैंने, क्योंकि मैंने एक दीपिका पादुकोण इंस्पायर्ड ना एक साड़ी मंगवाई थी और उनके लुक वाली जो साड़ी थी तो उस फोटो में उन्होंने ये ग्रीन कलर के इयररिंग्स डाले थे, कुछ इस तरह सा ही पैटर्न था, तो इस वजह से मुझे वो लुक क्रिएट करना है इसलिए मैंने ये वाली इयररिंग्स मंगवाए। बहुत प्यारे लग रहे, कितना सुंदर सा डिजाइन है, बहुत सुंदर वाला पीस है। फिर मेरे पास ये वाले इयररिंग्स हैं गाइस, देखो कितना सुंदर तरीके से ये शाइन कर रहा है, मतलब मैं आपको यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से कैमरे फोन के ऊपर नहीं नजर आ रहा जितना ये रियल लाइफ में, इतना प्रिटी वाला पीस और इतना क्लासी एलिगेंट वाला पीस है। आप इसको अपने कुछ भी यू नो वेस्टर्न गाउन के साथ आप इसको डाल सकते हो, अगर आपने जीन्स डाली है, कुछ टॉप डाली है उसके साथ ये चल जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड डिफरेंट वाला पीस है, जरूर आप इसको लो, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। गाइज ये है मेरे पास इयररिंग्स एंड ये झुमके झुमका स्टाइल इयररिंग्स है। ये इस हॉल में मैंने आपको जितने भी ज्वेलरी आइटम्स दिखाए ना, 10 ज्वेलरी आइटम, उसमें से ना गाइज ये मेरा फेवरेट वाला पीस है। मतलब पता नहीं क्यों मैंने इसको जब ओपन किया ना मेरा दिल आ गया, और भी बहुत सारे पीसेस है बट आई हैव नो आइडिया, मुझे इसके ऊपर इतना मतलब आई डोंट नो यार, इससे प्यार ही हो गया मुझे। देख सकते हो कितना सुंदर, एक तो बड़ा सा राउंड सा शेप है। मेरे पास एक्चुअली इस तरह के हैं इयररिंग्स, कुंदन का वर्क किया हुआ है एंड नीचे आप देख सकते हो फोटो में एक्चुअली बहुत छोटे लग रहे थे लेकिन रियल में मेरे हाथ में कितने बड़े वाले इयररिंग्स लग रहे हैं। सिर्फ ये वाले इयररिंग्स डालो, अच्छी से कोई ड्रेस डालो, सूट डालो, और आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही एक स्टेटमेंट पीस है। जरूर इसको खरीदो यार, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। फिर आप देख सकते हो ये है कड़े और ये भी काफी सुंदर वाले कड़े हैं एंड ये ना यहाँ से खुल के डलते हैं। मेरा साइज है 2-8, ठीक है, ये यहाँ से पेच वाले कड़े हैं, आप इनको खोल के डाल सकते हो बट मेरे तो हाथों पे ऐसे ही आ जाते तो मैं तो ऐसे ही डाल लेती हूँ, ठीक है, नहीं तो आप इनको खोल के भी डाल सकते हो। ये दिखने में बहुत सुंदर है, पर्ल्स लगे हुए, मुझे पसंद आई ये वाला पीस। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये है मेरे पास एक रिंग जो क्राउन की शेप में है और ये डाली हुई बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही है। शाइन देख सकते हो आप कितनी ब्यूटीफुली ये शाइन कर रही है, हल्की फुल्की सी, अगर आप डेली के लिए भी डालना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो। बाकी मैं इसको अपनी क्रिश्चियन वेडिंग मेकअप लुक जो मैं करूंगी ना उसके साथ ही ये रिंग डालूंगी मैं, ये बहुत सुंदर लगी मुझे।